लद्दाख में पिछले 24 घंटे से बर्फबारी जारी है और इसकी सबसे ताज़ा तस्वीरें करगिल के द्रास सेक्टर से आई हैं। पता चला है कि यहां कई इलाकों में 6 इंच तक बर्फ गिरी है, जबकि द्रास शहर में भी 5 इंच से ज्यादा फ्रेश स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इस बर्फबारी से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। करगिल जंस्कार और जोजिला हाईवे यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह श्रीनगर लेह हाईवे पर भी ट्रैफिक रोकना पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और ज्यादा बर्फबारी की आशंका जताई है। कहा जा रहा है कि कम से कम 22 अप्रैल तक मेन हाईवे बंद रहेंगे। इसी तरह की तस्वीरें कश्मीर के बांदीपोरा में भी देखने को मिली। खासकर गुरेज वैली में बर्फबारी की नई चादर दिखाई दी। कई गाड़ियां बर्फ से ढक गईं, मकानों पर भी बर्फ ही बर्फ नजर आई। इस बर्फबारी के चलते कई जगह ट्रैफिक में दिक्कतें पेश आई। बताया जा रहा है कि बांदीपोरा और गुरेज वाले रूट पर भी असर पड़ा। मौसम ने करवट बदली तो सिग्नल हिमाचल प्रदेश में भी गया। मौसम विभाग ने 21 अप्रैल तक कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि और आंधी का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान ऑरेंज अलर्ट के चलते भारी बारिश हो सकती है। सबसे ज्यादा बारिश जोगिंदरनगर में रिकॉर्ड की गई है, जबकि लाहौल स्पीति और कुल्लू समेत ऊपरी पहाड़ियों में बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम जैसे ही बदला, तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी आ गई। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के हर जगह पे बारिश रिपोर्ट हुई है और ज्यादा बारिश डिस्ट्रिक्ट मंडी में जोगिंदरनगर में 46 मिलीमीटर हुई है। और आने वाले समय में भी बारिश का सिलसिला कंटिन्यू करेगा, आज भी और कल भी, पर उसके बाद जो 48 घंटे बाद इसमें कमी आ जाएगी, फिर मौसम ठीक होना शुरू होगा। इधर उत्तराखंड में भी बर्फ की वजह से चार धाम यात्रा को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों की चिंता बढ़ गई है। केदारनाथ के धाम 25 अप्रैल से खुलने हैं, लेकिन धाम में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। इससे तैयारियों और यात्रा के इंतजाम में दिक्कतें पैदा होने लगी हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भरोसा है कि सारे इंतजाम तय वक्त पर पूरे हो जाएंगे। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से भी भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मौसम में बदलाव की वजह से यहां भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट भक्तों के लिए खुलने वाले हैं।